ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माय टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। करते हैं उस बवाल की जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। दरअसल डूंगरपुर और उदयपुर जिले में हुए उपद्रव के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें बीटीपी विधायक राजकुमार रोत कांकरी डूंगरी में महापड़ाव लगाकर बैठे अभ्यर्थियों के साथ नाचते और गाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अब की बार सरकार को यहीं बुलाकर दम लेंगे। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस घटनाक्रम के पीछे बीटीपी का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन बीटीपी इस बात से लगातार पल्ला झाड़ रही है। लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बीटीपी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो वीडियो आपने देख लिया है, लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं कि दो दिन पहले राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। गांवों ने अपना रुख बदल लिया, अपने अपने घाव लेके अपने अपने ग्रामीणों की तरफ से आ रहा है, तो हम सभी मिलकर संतुष्ट कर लेंगे उनको और ये मामला लगभग शांत कराने की पूरी कोशिश रहेगी। एक बार पहले जो प्राथमिकता देनी है हमें कि ये जो उग्र रूप धारण कर रहा है उसको कहीं न कहीं मतलब शांत करना है। और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि अभी जो निर्वाचित हैं वो भी हैं, मंत्री जी भी हैं, पूर्व सांसद साहब भी हैं, सभी ने, मैं खुद उनसे अपील कर रहा हूँ कि हमें सबको आगे जाके उन लोगों से अपील करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखे। और मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बयानों में कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं, क्या ये पुष्टि हो पाई कि ये तस्वीरें उस उपद्रव के आसपास की हैं या फिर पुरानी हैं? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, दरअसल ये जो तस्वीरें हैं जो कि वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, ये जो तस्वीरें डूंगरपुर और इन इलाकों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें कि राजकुमार रोत जो हैं जब अभ्यर्थी महापड़ाव कर रहे थे उस दौरान उनके साथ में थे, बकायदा उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनके साथ नाच गा भी रहे थे महापड़ाव स्थल पर, कांकरी डूंगरी में जो महापड़ाव स्थल है। लेकिन बाद में चूंकि ये जो पूरा मामला है बेहद संवेदनशील हो गया, आगजनी हुई, उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, काफी तादाद में जो तोड़फोड़ हुई, करोड़ों रुपयों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, इस दौरान लगातार इस तरह के सवाल उठते रहे कि आखिर इस पूरे उपद्रव का लीडर कौन है, इस पूरे उपद्रव में कौन शामिल है, ये तमाम चीजें जो हैं बड़ा सवाल रहा। लेकिन अब जब ये वीडियो जो है वो सामने आया तो इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बीटीपी के जो विधायक है राजकुमार रोत, वो बाकायदा जब आंदोलन की ये जो शुरुआत थी, महापड़ाव जब था, तब उस दौरान कह रहे हैं कि राज्य सरकार और खासकर जो है राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो कांकरी डूंगरी पर ही आना पड़ेगा, अगर आदिवासियों से लोहा लेना है तो यहीं आना पड़ेगा। ऐसी जो अपनी बागड़ी भाषा के जो तमाम गीत के माध्यम से वो सरकार को चैलेंज कर रहे थे उस दौरान। लेकिन बाद में लगातार ये बातें आई कि बीटीपी को लेकर कई सारे राजनीतिक दल जो है, राज मदन दिलावर ने भी कहा कि बीटीपी का हाथ था, पूर्व में भी इस तरह की बातें कही गई, लेकिन बीटीपी ने इस बात को हमेशा से पल्ला झाड़ा, हमेशा से इस बात को लेकर सवाल रहा कि आखिर ये जो उग्र आंदोलन है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। लेकिन आज जब ये वीडियो सामने आया तो इससे काफी हद तक ये चीजें क्लियर आउट हो गई है कि बीटीपी का इस पूरे। बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते